देश की राजधानी दिल्ली में फ्लाईओवर और फुट ओवर ब्रिज की बाढ़ है इन्हीं के सहारे दिल्ली ने तरक्की के कई कीर्तिमान बनाए लेकिन राजधानी दिल्ली से महज 35 किलोमीटर दूर बागपत में एक ऐसा पुल है जिसे लोग मौत का पुल कहते हैं अगर यहाँ सी भी चूक हुई तो जिंदगी समझो खत्म जिन लोगों से चूक हुई वो इस दुनिया में नहीं रहे यहाँ के लोगों ने भी वोट दी और सांसद चुनकर देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि संसद में भेजे लेकिन जमीनी हकीकत दावे और वादों के बीच यहाँ के लोगों की जिंदगी इस पुल के बीच मंडरा रही है ये तस्वीरें हैं आधुनिक भारत की जहाँ गगन चुम्बी इमारतें हैं विकास के पद पर दौड़ने के लिए शानदार सड़कें हैं भारत अब इससे भी आगे बढ़ने की तैयारी में है बुलेट ट्रेन भी आएगी और हाई स्पीड ट्रेनों की रफ्तार और भी बढ़ी जाएगी पूरे देश में कहा क्या होगा इसका पूरा प्लान दिल्ली में बैठकर ही तैयार होता है लेकिन राजधानी दिल्ली से महज 35 किलोमीटर दूर की जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उन्हें देखकर आप भी ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिर आज भी क्या गांव में इतने बुरे हालात हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं बागपत बागपत भी इस पुल को पहले गौर से देखे निहारिए जब मन भर जाए तो मोरबी हादसे को भी जरा याद कर लीजिए अब तक आपकी रूह आप गई होगी, यकीन मानिए जिस पुल को आप देख रहे हैं इससे आपके दिलो दिमाग में यकीनन मोरबी का हादसा याद आ गया होगा मोरबी हादसे से अब बाहर निकली और अब जरा इस पुल के बारे में बताते हैं। इसे पुल कहना एक मजबूरी है इस पुल से गुजर अपनी जिंदगी दाव पर लगाना भी इस गाँव के लोगों की मजबूरी है इसी मजबूरी ने कई लोगों की जान ले ली वक्त बदला दौर बदला नहीं बदली तो बस इन लोगों की किस्मत नेता बदले गद्दी बदली नहीं बदली तो इन लोगों की किस्मत नेताओं के हालात बदलने के दावे तो खूब किए लेकिन यहाँ के हालात नहीं बदले बागपत के बिनौली ब्लॉक के इस रहतना गांव के लोगों की जिंदगी कुछ इसी तरीके से मौत के सफर से होकर गुजरती है यहां पर दो बलिया के सहारे गांव के लोगों ने जुगाड़ करके जैसे तैसे पुल बना लिया जुगाड़ तो आखिर जुगाड़ होता है और ये जुगाड़ कब धोखा दे जाए ये इसे बनाने वालों को भी नहीं पता हर पल यहाँ मौत झपट्टा मारने के लिए तैयार रहती है क्योंकि जैसे ही पुल पर कोई शख्स चलता है तो पुल लेने लगता है ऐसे वक्त में अगर जरा सी भी चूक हुई तो आप सीधे कृष्णी नदी में गिर जाएंगे, जहाँ का गहरा पानी आपको बचने का भी मौका नहीं देगा सबसे बड़ी बात यह है कि पानी के ऊपर जंगली घास है जिससे पुल के नीचे अनजान आदमी ये भी अंदाजा नहीं कर सकता कि आखिर यहाँ पानी कितना गहरा होगा आप पूरी बल्ली पानी में डूबी नजर आ रही है इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कम से कम बीस फीट के ऊपर पानी तो होगा ही इस जुगाड़ के पुल से गिरकर कई बच्चे मर चुके हैं इसलिए जब तक बच्चे घर नहीं लौट आते तब तक परिवार के लोगों को डर सताता रहता है अजीब खतरे की चीज और लचार के करे इसमें कई बच्चे की तो मौत होगी फिर कई अपंग हो गए पंद्रह बीस आदमी के कोई कुल्ली टूट गई किसी के हाथ टूट गया किसी के पांव टूट गए तो इसमें परेशानी के वजह से खेत गई है और ना जा तो ये जानवर फिर ये खा जा देखभाल तो करनी पड़ेगी बोना बाना भी पड़े बताते हैं कि रेहतनाक गांव के ज्यादातर किसानों के खेतों से दूसरी तरफ है वहां तक जल्दी जाने का यही जुगाड़ है अगर गांव के किसानों को कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार जाना पड़ता है तो उन्हें कई किलोमीटर दूर का सफर तय करना पड़ता है और वापस लौटने में भी उतना ही समय लगता है वक्त को बचाने के लिए रहताना गांव के लोग अपनी जिंदगी को दाव पर लगा देते हैं अकेले रहताना ही नहीं बल्कि आसपास के आधा दर्जन गांव इससे प्रभावित होते हैं हमारे कई आदमी है जी, परेशान है हमारे बच्चे परेशान है जी हम जान सकते हैं जी खेत भी दस किलोमीटर हैं बना घूमते है कितने समय ऐसी ये बहुत दिन ऐसी है जी पंद्रह बीस साल ऐसी है जी ब्रांड हो रहे जी, जी, जी। हम अच्छा ये जब नदी में पानी आ जाता है तब जब है जी घर लोटे अपने कुछ फिर हमें दे बता दें कि दादरी बिनौली रहता रनछाड़ दाह पुसार गांव के लोगों को मजबूरी में यहीं से आना जाना पड़ता है गाँव के लोग चाहते हैं कि यहां एक स्थायी पुल बना दिया जाए लेकिन ग्रामीणों को सरकार और जिला प्रशासन से कई साल से आस है कि इस दिन यहां पुल जरूर बनेगा लेकिन अभी न तो ग्राम प्रधान ध्यान देता है और न ही जिला प्रशासन न सरकार लेकिन इतना जरूर है की प्रशासन नींद से उस वक्त जरूर जागेगा जब यहाँ किसी दिन मोरबी जैसा कोई बड़ा हादसा हो जाएगा हम तो बहुत प्रयास कर लिया इसका बनवाने के लिए ग्राम प्रधान तो ही बढ़वा और हम प्रशासन को भी कई बार

मैं विधायक जी तो पहली बार भी कर दी विधायक जी हो रही इनने भी कहा पुलिया दे दो तो इन विधायक जी ने हमारा प्रस्ताव खैर भेज रखा है पता नहीं वो कब पारित होगा कब पास होगा अब सवाल उठता है कि आखिर मोरबी जैसे हादसों से हमने क्या सीखा क्योंकि यूपी सरकार इन दिनों जज्जर पुल पर रिपोर्ट भी बनवा रही है लकड़ियों को जोड़ के बना गया ये पुल दरअसल जुगाड़ पुल कहा जा सकता है यहाँ बागपत क्षेत्र के रहतना गाँव का पे ये पुल बना हुआ है जहाँ लगभग 200-250 किसान रोजाना इस लकड़ी के पुल को पार करते हुए तो अपने खेतों की तरफ जाते हैं ये दरअसल ये पुल जो है ये लगभग 15 साल से ऐसे ही बना हुआ है लकड़ी के पुल पे सफर करने वाले गांव के रहतना गांव के जो लोग हैं खतरों से खेलते हुए जाते हैं और अपनी जान का का खतरा उठा उठाते हैं सिर्फ इसलिए कि इस नदी के पार जो इनकी फसलें हैं वो फसलें बची रहे महफूज रहे लेकिन इस अपनी फसलों को बचाने की इस कवायद में कई बार इस गांव के कई लोग न सिर्फ चोटिल हुए हैं बल्कि कुछ लोगों की यहां दर्दनाक मौत भी हुई है दरअसल ये जो लकड़ी का पुल है इसको पार करते वक्त अक्सर पैर फिसलने जैसी घटनाएं हो जाती हैं। इस गांव के लोगों का कहना यह है कि यदि इस पुल पर छोटे सी इस लकड़ी के पुल की जगह एक छोटी सी पुलिया भी बना दी जाए जो पक्की हो तो इन किसानों को अपना अपनी फसल को लाने के लिए ट्रैक्टर या ट्रॉली लाने में सुविधा होगी और इसके साथ साथ जो यहाँ जान माल की हानि हो जाती है उससे भी इनको निजात मिल सकती है विवेक कौशिक पंजाब के सी टीवी बागपा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद